हे गाइस, दिस इज सोनू, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कल संडे को मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था जिसमें आपको दो टॉपिक्स के बीच में वोट आउट करना था और मुझे सजेस्ट करना था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। जो दोनों टॉपिक थे उनमें से पहला टॉपिक था कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं, और साथ में जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि हम स्क्रीनशॉट्स या इमेजेस को कनेक्ट करके उससे कोई वीडियो कैसे बनाएं। तो आप में से बहुत लोगों ने पहले टॉपिक को वोट किया था कि हम यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं। सो गाइस, आज के अपने स्टूडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने YouTube चैनल के लिए ऐसा मेटालिक टेक्सचर के साथ प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं। साथ में जो दूसरा टॉपिक था कि हम इमेजेस और फोटोज को कनेक्ट करके वीडियो कैसे बनाएं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए जैसा कि आपने पिछली वीडियोज को दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। गाइज, आज जो हम अपने YouTube चैनल के लिए लोगो बनाने वाले हैं, इस लोगो को बनाने के लिए जिस एप्लीकेशन का मैं यूज करने वाला हूं उसका नाम पिक्सल लैब है। अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं है तो आप जाइए प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे ये अवेलेबल है। नहीं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अपने को सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे राइट साइड में जो है कुछ टूल्स दिए हैं, इसी की मदद से आज जो है हम ये लोगो डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, लेकिन जो हम लोगो के अंदर फॉन्ट यूज किए हैं अपने टेक्स्ट के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसे हमें अलग से डाउनलोड करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉन्ट का नाम जो है फैकोन है। तो इस फॉन्ट का डाउनलोड लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन मिलता है ऐड करने का। तो चलिए यहाँ से हम इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके पे क्लिक कर देना है। देन आपको इस टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने लोगो के अंदर जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है और इसे यहाँ बीच में लाके सेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट पैडिंग थोड़ी थोड़ी हमें इंक्रीज कर लेनी है। देन यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और इस टेक्स्ट बॉक्स की एक कॉपी बना लेनी है। देन सिंपली आपको इस बॉक्स पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आप टेक्स्ट के अंदर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं अलग टेक्स्ट, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर इसे भी आप यहाँ एडजस्ट कर लें। गाइज, यहाँ मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग जो है लोगो बना रहा हूँ, आप चाहें तो अपने चैनल के अकॉर्डिंग जो भी चाहे यहाँ ऐड कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है। इसके बाद आपको यहाँ ए के बगल में एक हेक्सागोनल शेप नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ शेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जो ओपेसिटी है उसे 100 से 0 कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ स्ट्रोक का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे जो है स्ट्रोक का जो कलर है वो ब्लैक है, हमें यहाँ से व्हाइट कर लेना है। देन यहाँ पे इसे एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क कर लेना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको लेयर पे क्लिक करके इसको हटा देना है। गाइज, मैंने जो इससे पहले लोगो बनाया है उसमें जो इसका कलर है वो मेटालिक टेक्सचर का है, तो यहाँ पे हमें मेटल टेक्सचर ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ स्क्रॉल करना है राइट साइड में, यहाँ पे आपको एक टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपकी गैलरी से इमेज जो है मेटालिक टेक्सचर का वो ऐड करना है। तो जो मेटालिक टेक्सचर मैं ऐड करने वाला हूँ वो अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी डाउनलोड लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ क्लिक करना है आपको, ये सीधे आपके गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से वो व्हाइट कलर हट चुका है और यहाँ पे वो जो मेटालिक टेक्सचर है वो ऐड हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे राइट साइड में स्केल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आप टेक्सचर को अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है हमें लोगों के पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है ताकि ये और अट्रैक्टिव दिख सके। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से मैं एक डाउनलोड कर रखा हूँ,
अगर आप ये टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसे ऐड करना चाहते हैं, तो इस बैकग्राउंड इमेज का डाउनलोड लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो टेक्सचर है वो ऐड हो चुका है ये बैकग्राउंड, तो यहाँ से हमें इस लोगो को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग बीच में कर लेना है। यहाँ से आप इस लोगो के साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ बैकग्राउंड के अंदर जो है इसका कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ एंड में इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आपको इस लोगो को सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको शैडो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। देन यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है इसको कम करके 2 कर लेना है। देन यहाँ पे जो इसका कलर है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई का जो है ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है आप इस शैडो को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ इम्बोज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन इसे भी इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेना है। सो गाइज, हमारा जो लोगो है ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ राइट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा कि आप इस इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसे जेपीजी रहने दें। क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसे वेरी हाई से भी ज्यादा अल्ट्रा पे क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। सो गाइज, ये थी वो प्रोसेस जिसे फॉलो करके आप भी अपने मोबाइल से प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।